Assalamualaikum guys, it's your host Mohammed Umar. Assalamualaikum guys, मैं आपका अपना Yekur. So guys, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं congratulations देना चाहूँगा टीम इंडिया को. Well done टीम इंडिया, इसी तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी पूरे एशिया रीजन को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और स्पेशली इंडियंस को. टीम इंडिया से इस तरह की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी जो कि पहले दो मैच में हमें नजर नहीं आई, पर वी नो इंडिया कमबैक करेगा और इंडिया ने कमबैक किया. तो आप सबने देखा जैसा कि आज हुआ है दुबई के ग्राउंड में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, व्हाट अ स्कोर, व्हाट अ मैच. और इतना हैवी टारगेट सेट किया इंडिया ने, इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन टारगेट देना गया. और बात करूँ मैं अफगानिस्तान की तो वेल प्लेड, ऑल्सो वेल प्लेड टीम अफगानिस्तान. सो अफगानिस्तान की साइड से कुछ फ्लॉज, कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि इट्स काइंड ऑफ फिक्स मैच और इट्स लाइक समथिंग फिक्सिंग बिटवीन द बोथ टीम्स. तो गाइस मेन पॉइंट मेरा ये है कि बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं मैच फिक्सिंग. गाइस आज की वीडियो बनाने का मकसद था और मेरे आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है मैच फिक्सिंग. तो जैसा कि आप सब सुन रहे हैं रूमर्स अबाउट टुडे मैच, तो सब लोग कह रहे हैं और काफी वाजे तौर पे ऐसे विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसी वीडियोस नजर आ रही हैं. पर मैं ये चीज कहना चाहूंगा सबसे पहले क्लियर करता चलूं कि अगर मैं पर्सनली बात करूं और अपना ओपिनियन दूं तो इस मैच में फिक्सिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आती. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक वजह ये है कि इट्स एन ICC वर्ल्ड कप, कोई गले मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है. तो इस तरह के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैचों में फिक्सिंग नहीं होती मेरे दोस्तों. और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा मेरे इंडियन फैंस को, इंडियन फॉलोअर्स को जो कि मेरी वीडियोज़ देखते हैं कि गाइस वेल डन बाय टीम इंडिया. और विराट कोहली जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, अनबीटेबल टीम, टीम इंडिया के कैप्टन है, तो उनसे आप ऐसा एक्सपेक्ट कभी भी नहीं कर सकते. ही इज सच अ प्रोफेशनल और सीरियस क्रिकेट और ही इज सो सीरियस अबाउट हिज गेम, अबाउट हिज करियर. और इट्स गोना बी एंड ऑफ हिज करियर आफ्टर दिस वर्ल्ड कप और वो अपनी कैप्टनसी छोड़ने वाले हैं. तो मुझे नहीं लगता या मैं कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि विराट कोहली इस तरह की कोई हरकत करेंगे. मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा कि विराट कोहली ऐसी कोई हरकत करेंगे क्योंकि वो एक कप्तान है इंडिया के, बहुत पुराने प्लेयर है, बहुत ज्यादा उनको देखा जाता है हमारी पाकिस्तानी आवाम से, बहुत ज्यादा उनको लव करती है, प्यार करती है और ऐसे तरीके से कि जैसे वो अपने भाई हैं हमारे, ऐसे नहीं किसी को डिक्लेयर करें. तो गाइस बात की जाए मैच फिक्सिंग की, तो मेरा ओपिनियन यही था कि मैच फिक्सिंग वाला कोई चक्कर नहीं है ICC वर्ल्ड कप का. बिल्कुल भी नहीं है मैच फिक्सिंग का, बिल्कुल भी नहीं है. कि अगर आप कहें कि यार ये आप पहले ये देखो कि ये ICC वर्ल्ड कप है, कोई मोहल्ले का या किसी ग्राउंड का मैच बिल्कुल भी नहीं. एक टास्क के ऊपर जैसे आपने देखा कि विराट कोहली अफगानिस्तान के जो हम उसको कप्तान को कह रहे थे कि बोला पहले ने, क्या पता ये वीडियो रिकॉर्ड हुई हो या वॉइस रिकॉर्ड हुई हो, हमारे तक बात गलत आ रही हो. बाकी आपको उम्र भाई बताते हैं. अच्छा गाइस ये सब भी मटेरियल है जो कि हमें देखने को मिल रहा है ICC वर्ल्ड कप में. बिल्कुल जैसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह का कुछ हो जाए. और बिसाइड दिस थिंग अगर बात करूं क्रिटिसिज्म जो बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है इंटरनेट पे, काफी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे अबाउट विराट कोहली और इंडियन क्रिकेटर्स, तो गाइज दे डिजर्व रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज द गाइज आर योर हीरोज, द गाइज आर आवर हीरोज, द गाइज आर आवर आइडल्स. तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम और हमें प्यार करना चाहिए अपने सुपर हीरो से, बिकॉज द गाइज रिप्रेजेंट आवर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया. तो आपको चाहिए इंडियन होने के नाते अपने हीरोज को रिस्पेक्ट दें और उनसे प्यार करें. आपने एक वीडियो देखी होगी चौके वाली के बाउंड्री से वो चौका रोकता है, बिल्कुल करेक्टली वो रोक लेता है फिर भी वो बाउंड्री हो जाती है. तो ये ह्यूमन नेचर है गाइस, हो जाता है मैच में. और इसमें फिक्सिंग वाला मुझे थोड़ा सा लगता भी है, डाउट भी है, पर इट्स नॉट फिक्सिंग. आप ये क्योंकि प्रूफ नहीं है, कोई वाज़े प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि ये फिक्सिंग है. और मेरे सारे अपने पाकिस्तानी, अपने इंडियन क्रिकेट लवर्स, अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि रिस्पेक्ट करें गेम की, रिस्पेक्ट करें क्रिकेट की, रिस्पेक्ट करें प्लेयर्स की, रिस्पेक्ट करें. और इसको सिर्फ एक मकसद बनाएं अमन फैलाने का. पहले नफरतें इतनी फैली हुई हैं तो गाइस काइंडली ये खेल ही होते हैं, स्पोर्ट्स ही होते हैं जिनके थ्रू थोड़ा सा प्यार
बढ़ता है कौमों में और कौमें एक दूसरे के करीब आती हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं दो कौमों में, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं काइंडली। ये नहीं कि एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा, मैं कोई इंडिया का सपोर्टर नहीं हूँ, पर रिस्पेक्ट करें, गेम की रिस्पेक्ट करें, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें जितनी कर सकते हैं आप, और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। ये कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने का टाइम नहीं है और ना ही वर्ल्ड कप कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए आता है, तो प्यार बांटें और एंजॉय करें और फाइनल तक वेट करें कि कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। तो मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियोज के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें।